जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 6.4 को कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 4 को अच्छी प्रकार किया था। देखिए, प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 4 जैसा ही है। प्रश्न संख्या 5 4 में दे रखा था कि हमें उस संख्या में कम से कम कितना न्यूनतम से न्यूनतम संख्या घटाना है ना, और इसमें दे रखा है कि कम से कम संख्या कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमें पहला प्रश्न दे रखा है 525। तो हम 525 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि हमें इस जोड़ने पर इस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकें, यानी वर्गमूल हम लोग अच्छी प्रकार से ज्ञात कर सकें। मैंने जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर पिछली प्रश्न की तरह, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, तो आप लोग 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 3 का वर्गमूल आप लोग पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हो। तो 3 का वर्गमूल यदि आप इसमें 1 जोड़ दो तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब आप लोग 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो कि 4 का अंडर रूट 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 525 को भाग विधि द्वारा चेक करना है कि यह संख्या आखिर इस संख्या का हम वर्गमूल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 525, ठीक है, और पीछे से 2 अंकों के ऊपर बार और यहाँ पे 1 अंक बच गया था इसके ऊपर बार। यहाँ पे चेक करेंगे 5 है, तो 5 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो 5 से कम लेना है। तो 5 से कम 2 का वर्ग होता है, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है, 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 और 2 = 4 यहाँ लिख देंगे, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 2 और 5 साथ ही में उतरेगा, तो यहाँ पे 2 और 5 = 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, अब 4 के बगल में जो अंक आप लिखोगे यहाँ पे भी वही अंक लिखना पड़ेगा, और 4 के बगल में मान लीजिए 1 लिख रहे हो तो 41 हो गया। 41 को 1 से गुना करोगे क्योंकि यहाँ भी 1 लिखोगे, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, तो 41 से कम 41। लेकिन इस प्रश्न में आप ध्यान से समझिए, पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, इससे कम ले रहे थे, 125 से 125 से कम ले रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में हमें कह रखा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए। जब भी आपको पूछा जाए कि कितना जोड़ा जाए तो आप यहाँ पे जो अंक आएगा उससे अधिक लोगे। क्या कहा मैंने, इससे अधिक लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो 42 हो गया, 42 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 हो गया। यदि मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो 3 से गुना पड़ेगा करना पड़ेगा, 3×3 = 12। तो देखिए, हमें कम को नहीं लेना है, हमें अधिक को लेना है। कितना आ रहा है, 129। तो यहाँ पे 3 बार में 43 को 3 से गुना करें तो आएगा 129, ठीक है, आराम से समझ लीजिए। अगर हमें अधिक लेना है तो 125, अब देखिए अब घटाएंगे कैसे, 125 तो कम है, 129 में घटाना है, तो आप लोग 129 में से 25 घटाओ, 129 में से 125 घटाओगे तो 4 बचेगा। दोनों में से 129 बड़ा है और हम लोग छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमें 525 में 4 जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, 525 में आप लोग 4 जोड़ो, तो यहाँ से हमने 4 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया, 529। और दे रखा है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको 529 का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अब आप लोग क्या बोलो, अब आप लोग बोलो कि सर 529 का वर्गमूल निकालने में बैठेंगे तो बहुत लंबा प्रश्न बन जाएगा। बिल्कुल नहीं निकालना, आपको क्या करना है, आपको 529 का वर्गमूल जो यहाँ पे संख्या है 23 सीधा लिख दो, इसका वर्गमूल 23 होगा। क्या यह बात सत्य है, गुना करके देख लीजिए, 23 की 23 से गुना करोगे आप लोग तो 529 ही आएगा, चेक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ, काफ़ी इजी प्रश्न है, ये मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट लगा, ये 1, 2, 3 लाइन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 हमारा दे रखा है 1750, तो सेम 1750 लिख लेना है यहाँ से, 2 अंकों के ऊपर बार, 2 अंकों के ऊपर बार। अब 17 से कम लेना है तो 4 × 16, 25 तो अधिक हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 4 और 4 = 8 हो गया, यहाँ पे 1 है, इसके साथ 5 शून्य उतरेगा। अब हमें 150 से अधिक लेना है, यहाँ पे 8 × 2 = 16 है ना, 82 ले लेते हैं, 82 × 2 हो जाएगा 164 है ना, 82 × 2 = 164। अब घटा लेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का
14, ठीक है, तो कितना आया 14, यानी यहाँ पे जो संख्या आई है वही संख्या यानी 1750 में जोड़ना होगा, तो 1750 में 14 जोड़ना होगा। देखें बच्चों कितना सिंपल प्रश्न है, कितनी जल्दी किए हमने, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब जोड़ हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं, 1700 आप लोग 50 में 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम अंक 4 हो जाएगा, 5 और 1 6, 1764 हो जाएगा। अब 1764 का आपको वर्गमूल नहीं निकालने बैठ जाना है, 1764 का वर्गमूल 42 होता है, तो 42 इसका वर्गमूल होगा। ठीक है बच्चों, 42 को 42 से गुणा कीजिए जल्दी से, देखिए आपका उत्तर 1764 ही आएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि 252, तो फिर से करेंगे, 252 पीछे से दो संख्या के ऊपर बार, इसके ऊपर बार, यहाँ पे दो है, तो यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम न्यूनतम यहाँ पे दो कवर करते हैं, 2 2 3 4, 2 से अधिक है यानी हमें 1 लिखना होगा, 1 एकम 1, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि 2 से अधिक है, यहाँ पे पहला यहाँ पे तो कम लेना है तो घटाते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे 5 2 इसके 7 में उतर जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया। अब हमें 152 से अधिक लिखना है, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, 21 25 25 125, यहाँ पे 6 लिखना होगा, 26 छक 156 हो जाएगा, घटाते हैं तो 52 53 54 55 56, माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 4, 252 में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, 252 प्लस 4 कितना हो गया 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, तो 256 का इधर से वर्गमूल करेंगे तो हमें आएगा 16। तो ये था प्रश्न संख्या 3, चलिए इसी तरह हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपका दे रखा है कि 1825, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बार लगा लेना है, तो यहाँ से 1825 लिख लेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार, और यहाँ से फिर से दो संख्याओं के ऊपर बार लग गया। अब हमें 18 से कम देखना है किसका वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग 18 से कम होता है, 4 6 16, ठीक है, घटाओगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, समझ में आ गई बात, अभी तो 25 उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा अंक लिखना है जिससे इस संख्या को गुणा करने 25 से अधिक आए, 3 लिखते हैं, 83 तिया कितना हो जाएगा, 83 तिया 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 अधिक होगा, 82 तो कम हो जाएगा, यानी 3 लिखना होगा, तो यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3, तो 83 तिया 249, अब घटाना है, 249 में 225 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और 24 में से 22 गया तो 2, कितना आएगा 24, तो माइनस का 24 लिखेंगे, माइनस का 24, यानी हमें 1825 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अरे बच्चों 1825 में हमें 24 जोड़ना है, तो 1825 यहाँ से लिख लेंगे, उसमें हमें 24 जोड़ना है जी, तो जोड़ लेते हैं यहाँ से, कितना आएगा 1825 में 24 जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पे 7 और 2 और 2 4 हो गया, 1849 हो गया, और 1849 का वर्गमूल क्या होता है, 1849 का वर्गमूल 43 होता है, आप लोग गुना भी करके देख सकते हो कि 43 को 43 से गुना करोगे तो आपको 1849 प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 6412, तो 6412 यहाँ से लिख लेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार अंतिम से, और यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार, 64 वर्ग होता है, तो 8 8 64 या तो समाप्त हो गया, ठीक है।
तो यहाँ 0 आ गया, 8 और 8 16 हो गया। अब यहाँ पे 0 है, इसके साथ 1 और 2 उतरेगा 12। आपको देखिए, अब आपको इससे अधिक लेना है। यदि आप यहाँ पे शून्य लिख दोगे तो यहाँ भी शून्य लिखना होगा, शून्य से शून्य तो यहाँ कम हो गया, यानी आपको न्यूनतम संख्या यहाँ पे 1 लिखना होगा। यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 1 लिखोगे, तो 161 एकम 161 हो गया। यहाँ पे शून्य मत लिख देना, शून्य लिखोगे तो यह संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी। जब भी आपको जोड़ने का प्रश्न आए तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा उससे अधिक लेना है। तो यहाँ से 161 ले लिए, तो 161 में 12 घटाओगे तो 161 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 15 में 1 गया तो 14, 149 आएगा जी। यानी हमें 149 जोड़ना होगा, तो 6412 में 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ये आपको लिख देना है। चलिए, तो यहाँ पे 6412 में आप लोग 149 को जोड़िए तो कितना होगा, 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1, 4 चार और 1 5 और 1 6 हो गया, 6561, यानी 6561 का आप लोग वर्गमूल करोगे तो आपको 81 प्राप्त होगा। गुना करके देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रश्न संख्या 5। आशा करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। आप सभी को समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को कितने जल्दी 100 लाइक तक करते हैं। तो साथी, आपको यदि आप नए हो भारतवर्ष क्लासेस को, तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार आपके सभी अध्याय क्लियर करवाएंगे, और सिर्फ मैथ से रिलेटेड नहीं, आपके सभी विषय भी इस प्रकार से क्लियर कराएंगे। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।